नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात, बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है सियासी दंगल में नया दल। छत्तीसगढ़ में फिर से एक नई राजनीतिक पार्टी की दस्तक है। आदिवासी एक्सप्रेस दौड़ाने के ख्वाहिशमंद प्रदेश के दो दिग्गज नेता अरविंद नेताम और सोहन पोटाई की तरफ से इसका ऐलान हो गया। जाहिर है इन्हीं दोनों की अगुवाई में एक नई पार्टी का उदय होगा, इसका आगाज आज दिखा। सूबे की सियासत के लिए इस नए एंगल के मायने आखिर क्या है? क्या यह नई पार्टी आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएगी? सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी जैसे स्थापित दलों को इस नई बनने जा रही पार्टी से सतर्क रहने की कोई जरूरत है? छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया खिलाड़ी, एक नए दल का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले घमासान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति और तेज होने जा रही है। बस्तर के दो दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम और सोहन पोटाई ने आखिर लंबे मंथन के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद अरविंद नेताम अरसे से आदिवासी समाज को एकजुट करने की कोशिश करते रहे। अब बीजेपी से बाहर निकलने के बाद सोहन पोटाई भी उनके साथ हैं। दोनों मिलकर अब प्रदेश में अपनी पार्टी खड़ी करने को तैयार हैं। यहाँ जो अफसर शाही है और वो भी छत्तीसगढ़ के नहीं, आउटसोर्सिंग, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जिसको कोई परवाह नहीं, यहाँ के हित के बारे में जिनको चिंता नहीं, ऐसे लोगों के सलाह पे सरकार चल रही है और वो जो कह रहे हैं मनमानी ढंग से हो रही है। बहुत से मुद्दों को लेकर के चिंतन करके फिर क्या सेब देना है उसको है, उस स्टेज में हम आ गए हैं। और हम जल्दी, जैसे भी कोटे जी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की बात करिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम राजनीति की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी व्यवस्था को नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि सोशल मूवमेंट को बेस मान के करें। अरविंद नेताम और सोहन पोटाई का ये दावा है कि वो अपनी पार्टी के जरिए प्रदेश की जनता को नया विकल्प देंगे। उनका ये भी कहना है कि रमन राज में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई, इसीलिए नई पार्टी का गठन जरूरी हो गया है। दोनों नेताओं का ये कहना है कि वो लोगों के सम्मान के मुद्दे को सबसे ऊपर रखेंगे। याद रहे तकरीबन इसी तर्ज पर दिवंगत ताराचंद साहू ने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाया था। वहीं आदिवासियों को राजनीतिक जमीन देने की कोशिश प्रदेश में पहले भी हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में हीरा सिंह मरकाम ने ये कोशिश की थी। कुछ हद तक ये पार्टी प्रभावी भी रही, लेकिन पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में इसने अपना जनाधार खो दिया। लेकिन इस बार जो नई पार्टी बनने जा रही है उसकी अगुवाई दो ऐसे सीजन आदिवासी नेता करने वाले हैं जिनका मेन स्ट्रीम राजनीति में लंबा तजुर्बा रहा है। जहां सोहन पोटाई चार बार सांसद रह चुके हैं, तो वहीं अरविंद नेताम सांसद के अलावा केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अजीत जोगी की पार्टी सीजे सीजे के बारे में भी यही माना जाता है कि वो मुख्य रूप से एससी एसटी पर फोकस कर रही है। ऐसे में एक और नई पार्टी अब उसके साथ रेस करती नजर आएगी। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी ने भी आदिवासी वोटर्स को रिझाने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। ऐसे में ये तय है कि आने वाले वक्त में और शायद चुनावी दौर में भी आदिवासियों का मुद्दा पूरी कैंपेनिंग के केंद्र में होगा। लेकिन सवाल वही है, क्या नई पार्टी प्रदेश के दो ध्रुवी राजनीति में सेंध लगा पाएगी? संजय शर्मा, आईबीसी 24, रायपुर। तो आम आदमी जानते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारे वायदे उनसे किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े वर्ग को टारगेट करते हुए कोई नया दल उदय हो रहा है तो आम जनता के भी कान खड़े होना बड़ा लाजमी है। लेकिन आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब इस कार्यक्रम के जरिए हम तलाशने की कोशिश करेंगे। जैसे सवाल इस बात का कि क्या जो नया दल बन रहा है वो केवल चुनाव को फोकस में रखकर है, नया दल जो बन रहा है वो क्या केवल आदिवासी हितों को साधेगा। सवाल इस बात का भी कि जो नया दल उदय हो रहा है क्या वो जो स्थापित पार्टी है उनके लिए थ्रेट बन सकता है, जो पहले के तजुर्बे हैं उसमें उसकी रोशनी में अगर हम देखें तो क्या इस नए दल के मायने जो नई उदय होने वाली पार्टी है उनके लिए ज्यादा खतरनाक है या पहले से स्थापित दलों के लिए।
ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर इस दौर में आज के वक्त में चर्चा करना मंथन करना बहुत जरूरी। लेकिन इसके पहले कुछ रिएक्शंस भी आप तक पहुंचा दें कि जैसे ही ऐलान हुआ इसके बाद क्या रिएक्शन आए नई पार्टी बनाने के ऐलान पर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया पहले आपको दिखाते हैं। संविधान में सबको अधिकार है, अध्याय 3 में अपना दल बना सकते हैं, अपना समूह बना सकते हैं, तो उन्होंने अपने पर जो अधिकार है उसका प्रयोग किया है। अब हर पार्टी का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, उनका जो भी लक्ष्य होगा उसके अनुसार वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस नई पार्टी से यह नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो आदिवासी नेताओं का जो शोषण हो रहा था उनके बीच में आदिवासी नेताओं का जो एक विरोध था उसकी उपज है, तो इससे कांग्रेस को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक अरविंद नेताम का सवाल है, उन्होंने कांग्रेस को बहुत पहले छोड़ दिया था, इसके पहले वह बहुजन समाज पार्टी में भी गए थे, भाजपा में भी गए थे, तो कांग्रेस से उन्होंने बहुत पहले नाता तोड़ दिया था। तो अरविंद नेताम और सोनपुटाई दो जनाधार वाले नेता हैं, बड़े नेता हैं, सीजन नेता हैं, इनके पास राजनीति का लंबा तजुर्बा है, साथ ही साथ ये तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जनता का इन पर विश्वास रहा है, लेकिन जनता क्या वाकई किसी नए दल के चेहरे के तौर पर विश्वास कायम रख पाएगी? क्योंकि पहले जो नए दल आए वो कुछ चुनाव तक असर डाल पाए, कुछ सीटों पर अपना असर छोड़ पाए, लेकिन पूरे प्रदेश पर उनकी पकड़ कम ही दिखाई पड़ी। ऐसे में क्या पूरे प्रदेश में वास्तव में ये विकल्प साबित हो सकता है? क्या अगर ये विकल्प बनने की राह पर हैं तो ये कितना तगड़ा विकल्प होगा? इस विकल्प का सबसे ज्यादा असर किस पार्टी पर पड़ेगा? क्योंकि दो बड़े दल और इन दोनों से छूटे हुए दो बड़े नेता जो सीजन नेता हैं, फिर से दोहराएंगे कि इनका बड़ा जनाधार है, वो अगर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं और इसके पीछे की वजह वो क्या बताते हैं, उस वजह पर आम जनता का कितना यकीन रहता है? हमारे साथ में आज एक बड़ा प्रबुद्ध और बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उसका परिचय आपसे करा दें और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अरविंद नेताम साहब जुड़ रहे हैं, आदिवासी नेता जो नए दल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने साहब हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इकबाल अहमद रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, सीजे की तरफ से वो बात रखेंगे, जो खुद एक नए विकल्प की तरफ बढ़ती हुई एक पार्टी दिखाई दे रही है और स्वागत किया उन्होंने इस नए दल का। शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका इस चर्चा में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले नेताम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद जी क्या ऐसी बड़ी वजह है, क्या मुख्य लक्ष्य है आपका जिस नए दल के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य है, और जो अपना अनुभव है आदिवासियों के साथ प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, जो जगह मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई एक नई पार्टी का गठन का प्रयास होना चाहिए और भी लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि भाई आगे उसका क्या शेप होगा, कैसे होगा, आगे कैसे चलेंगे, वो तो समय ही बताएगा। चलिए, लेकिन जिस नए दल के गठन की आप बात कर रहे हैं, आदिवासी एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन क्या केवल आदिवासियों के, क्योंकि आप एक तरफ विकल्प की बात करें, दो स्थापित दल हैं, एक नया दल उदय हो चुका है और इन तीनों ही दलों में दिग्गज नेता शामिल हैं। ऐसे में अगर पूरे राजनीति का एक बड़ा विकल्प प्रदेश में बनना है तो पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसके लिए बात क्या उद्देश्य है, दल का क्या उद्देश्य है? नहीं, केवल आदिवासी या पूरा प्रदेश? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम केवल आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारी पार्टी गठन होगी आगे भविष्य में उसमें करीब करीब सभी वर्ग का समावेश होगा, सभी वर्ग की भागीदारी होगा, और मैं समझता हूं कि पिछड़ा वर्ग का काफी भागीदारी होगा ऐसा मान के चलते हैं। इसलिए कहना कि केवल आदिवासियों की बीच की पार्टी होगी ये बात भी सही नहीं है, और चूंकि राजनीति में कोई एक समाज की पार्टी कभी बन भी नहीं सकता और सफल भी नहीं होता, इसीलिए सब मिलकर के सभी इसमें समाज को लेकर के चलेंगे और फिर देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। कांग्रेस से टूट के एक नया दल पहले ही बन चुका है, वो पहले ही से एक विकल्प की बात कर रहा है कि वो विकल्प बनने जा रहा है। दूसरी तरफ आपके साथ में जो नेता जुड़े हैं उनसे आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में इस दल को लेकर जनता में यकीन जाग पाएगा? देखिए, हम लोगों का जो एक मुख्य आधार होगा वो सामाजिक आंदोलन,
और सामाजिक आंदोलन को ही आने वाला समय में ये छत्तीसगढ़ में जो भी राजनीतिक हम लोग ने लड़ाई होगी या जो भी होगा उसको सामाजिक आंदोलन ही आधार होगा जो हटके होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन चूंकि छत्तीसगढ़ में आज बहुत जरूरी है और उसको आधार मान के अगर आगे चलेंगे तो उसमें निश्चित है कि लोगों में इसका असर होगा। लेकिन सरकार तो लगातार आदिवासियों के हित की बात करती है, बस्तर में लगातार पार्टी जुटती है, साथ में जो सत्ताधारी दल के अलावा जो विपक्ष है वो भी उसी बस्तर की बात करते हैं। क्या ये दोनों दल वहां अच्छा काम नहीं कर रहे? क्या वास्तव में लंबे समय तक वहां कोई काम ही नहीं हुआ? क्या कहेंगे, क्योंकि आपका दोनों दलों का देखने का तजुर्बा, राजनीति का तजुर्बा लंबा है। देखिए, ये बात सही है कि अभी अब तक के केवल दो ही दल थे छत्तीसगढ़ में, वोटर के पास कोई विकल्प नहीं था और इस कमी को कोशिश होगी कि हम लोग ने पूरा करेंगे। और चूंकि बीजेपी की आपने बात किया बस्तर में, तो पिछले चुनाव में तो उनकी रिजल्ट कोई अच्छा रहा नहीं, तभी फोकस इस बार ज्यादा है। अब ठीक है, फोकस तो हर पार्टी करेगा उसमें, अब कितने मतदाता को रिझा पाएंगे एक तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात मैं कहूं कि बीजेपी आज भी एक ऐसा दल है जो आदिवासी समाज को समझने में बहुत टाइम लगेगा उनको। चलिए, सच्चिदानंद उपासने साहब हैं, उनका भी लंबा तजुर्बा राजनीति से, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं कि सत्ताधारी दल और खासतौर से बीजेपी जो लगातार बस्तर में फोकस करने की बात करती है, ये बात तो सही है कि वहां वैसी पकड़ नहीं आ पा रही, पार्टी भी इस बात को मानती है, आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, आदिवासियों को क्या पार्टी समझ नहीं पाई इसीलिए नए नए विकल्प आ रहे हैं और विकल्प बनने की दौड़ में? देखिए, आदिवासियों को समझने वाली बात यदि न होती पार्टी में तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से हमने वहां पर और सीटें प्राप्त की थी, बाद में भले हम वहां पर पीछे रहे हैं लेकिन उनके मर्म को हमने समझा था, उनके दर्द को समझा था और उस आधार पर हम कहीं न कहीं वहां पर स्थापित हुए। और पहले भी बलिराम कश्यप जी जैसे कद्दावर नेता जो बस्तर के शेर के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने वहां पर पार्टी के बैनर तले, पार्टी के झंडे तले आदिवासियों के मर्म को समझा था और वही कारण है कि हम वहां पर स्थापित हुए, लगातार वहां से सांसद चुनकर आते रहे, लगातार मंत्री बनते रहे, केंद्र में भी हो चाहे राज्य में हो, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उस छत्तीसगढ़ के उस सुदूर बस्तर को सत्ता में आने के बाद जो हम विपक्ष में वहां पर रहकर जिन बातों का हमने देखा था, जिन बातों का हमने समझा था, उसके लिए वहां पर पहले ही बार आने के बाद हमने बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन किया और अनुसूचित जाति वो कह रहे हैं कि टाइम अभी और लगेगा, आदिवासियों को समझ नहीं पाए हैं, आदिवासियों को समझने में समय और लगेगा, सीटों के आंकड़े भी बताते हैं, वोटों का प्रतिशत भी बताता है। नहीं, समझने वाली बात तो हम काफी पहले से समझे हुए हैं, जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी बस्तर में काम करती रही है, उनके साथ लगातार हम जुड़कर काम करते रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये लोग जो आज नई पार्टी बनाए हैं, ये लोग आदिवासियों को नहीं समझ पाए हैं, इनको आदिवासियों का नेतृत्व करने की दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने पर्याप्त अवसर दिया लेकिन ये आदिवासियों का नेतृत्व नहीं ग्रहण पर का है, ये नहीं समझ पाया उनको आदिवासियों को, इसलिए उन राष्ट्रीय दलों से ये अलग हुए। और वहां पर यदि वास्तव में आदिवासियों के हित चिंतक होते तो अपने अपने राजनीतिक दलों में रहकर वे वर्षानुवर्ष जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे केंद्र की सत्ता में हो चाहे राज्यों की सत्ता में हो, पर्याप्त अवसर इन लोगों को मिला। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शर्मा जी, क्या वास्तव में विपक्ष के नाते भी और जब आप सरकार में थे तब भी आदिवासियों को आप भी नहीं समझ पाए? क्योंकि एक वरिष्ठ नेता जो आप ही की पार्टी से अलग हुए हैं वो खुद ये इस बात को कह रहे हैं, कैसे देते हैं इस विकल्प को? देखिए पाठक जी, मैं नेताम जी को बहुत आदर के साथ बहुत पहले जानता हूँ। नेताम जी को कांग्रेस पार्टी ने 1971 से 1996 तक अनेक ऐसे अवसर दिए जिसमें उनको काम करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। मंत्री के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे
और उनके पिताश्री से लेकर के नेताजी तक उनके पूरे परिवार के लोग, उनकी स्वयं धर्म पत्नी भी सांसद रही। अब अनायास नेताम जी का कह देना कि आदिवासियों के मर्म को कांग्रेस ने समझ पाई, ये समझ के परे। खैर ये सब बातें मैं उनके विवेक और समझ पर छोड़ता हूँ, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी तक और उसके बाद राजीव जी और सभी, आज सोनिया जी और राहुल जी भी आदिवासियों की सेवा में करने में कटिबद्ध हैं और पूरी शक्ति के साथ हम लोग जो है, हमारे माननीय विधायक गण हैं, सभी लोग आदिवासी समाज के समग्र विकास और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सवाल ब्रेक पर मुझे जाना है, एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप ही की पार्टी से अलग होकर नेता अलग जाते हैं, सीजे सीजे का उदय भी हुआ, इसके बाद अब एक जो नया दल बन रहा उसमें भी एक जो प्रखर नेता जो अभी हमारे साथ चर्चा में भी शामिल हैं वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी समझ नहीं पाई, तो ये क्या है? देखिए क्यों असंतुष्टि इतनी ज्यादा बढ़ गई? मैं कहना चाहता हूँ कि मानव की महत्वाकांक्षा वो उसके राष्ट्रीय नेतृत्व से उसको पृथक कर देती है। जो जो भी पार्टी छोड़ के गए हैं, आज तक जो जाते रहे हैं, वो उनको अंत में प्रायश्चित करके स्वरूप में उनको वापस आना भी पड़ा है। चलिए ये और जी 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 कहिए अपनी बात कहेंगे। इस तरह की परिस्थितियां भी बनी हैं, तो ये बात सही है कि सबको इस लोकतंत्र में अलग दल बनाने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है और स्वायत्तता है उनको, आजादी बोलने की आजादी है उनको, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव ये कहता है कि जो नेता लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं उन्हें वापस भी उसी कदम से वापस भी आना पड़ता है। चलिए इस पॉइंट पर चर्चित भी करते हैं जी, इसी पॉइंट पर मैं चर्चा पे वापस लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ में सीजे सीजे के नेता भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। इसी सवाल के साथ लौटूंगा कि क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो एक नए विकल्प के द्वार के ऊपर खड़ी है, या वास्तव में उस वर्ग की चिंता है जिस वर्ग के लिए दल का गठन किया जा रहा है। छोटे से बेकबल तो सियासी दंगल में एक नए दल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में पूरा पैनल आप देख रहे हैं और इस नए दल के उदय के साथ बहुत सारे सवाल भी जुड़े हुए हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश हम इस पैनल के द्वारा, चर्चा के द्वारा कर रहे हैं। इकबाल अहमद रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे सीधे के नेता हैं। रिजवी साहब आपने सबकी बातों को सुना, जो दल स्थापित है वो कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो दल विकल्प बनने की राह के ऊपर आगे चले वो कहते हैं कि ये उपेक्षा है और उपेक्षा से ही इनका जन्म हुआ है, जिसमें से एक आपका भी दल है। कैसे लेते हैं इस नए दल को? देखिए राजनीति में वही व्यक्ति आता है जिसमें महत्वाकांक्षा होती है और बिना महत्वाकांक्षा के कोई राजनीति में आता नहीं। हरेक की जो भी इच्छा होती है, इच्छा कहिए महत्वाकांक्षा कहिए, तो जहां तक हमारे भाई सोहन पोटाई जी और अरविंद नेताम जी जो नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति दल गठित कर सकता है। चलिए इस बात के लिए पहले शुभकामनाएं कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि महत्वाकांक्षाएं हैं और इसीलिए महत्वाकांक्षाएं हर एक में होती। महत्वाकांक्षा ना हो अगर तो फिर आदमी के जीवन निस्सार हो जाएगा ना। महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी, जितने बैठे हुए लोग हैं हमारे साथ उन सबकी महत्वाकांक्षा थी और वो महत्वाकांक्षा में पूरे भी हुए कुछ हद तक और कुछ लोग ज्यादा हद तक। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हड़कंप बीजेपी में मचा है वो क्यों मचा है? उन्होंने पूर्ण रूपेण आदिवासी समाज की उपेक्षा की है। सोहन पुटाई जी तीन तीन चार चार बार के सांसद हैं, क्यों छोड़ी उन्होंने? नंद कुमार साई जी की स्थिति देखिए आज क्या है, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। और मैं कहता हूं तीन बार से ये लोग सत्ता में हैं, क्या एक बार भी ये लोग आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? अरे मुख्यमंत्री नहीं बना सकते तो छोड़िए डिप्टी सीएम तो बना देते। इससे पता लगता है कि इनको आदिवासियों से एलर्जी है, ये नहीं चाहते कि ये जो निरीह लोग जो हैं, जो ये तबका है वो आगे बढ़े। इसलिए इन्होंने जब देखा कि इनके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है तब इन्होंने अपनी सवा दो साल पहले अपनी कार्य समिति की बैठक जगदलपुर में रखी। लेकिन रिजवी साहब कॉम्पिटिशन तो आपका बढ़ जाएगा, पहले क्यों नहीं रखी? रिजवी साहब कॉम्पिटिशन तो आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आप भी नया दल हैं, एक और नया दल आ रहा है। सवाल नहीं है जी, ये तो ऐसा है कि जो पार्टी बनेगी और जो बन चुकी है जैसे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस,
इसमें आदरणीय जोगी जी हैं, जोगी जी को, जोगी जी का 3 साल का कार्यकाल जनता के, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। उन्होंने जो शासन चलाया उससे सब लोग संतुष्ट थे और उनको मालूम था कि ये जो व्यक्ति है ये एक सही प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए उन्होंने जब अभी पार्टी बनाई तो इस कदर लोग उसकी तरफ रुझान हो रहा है। चलिए छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, छोटा सा सवाल रिजवी साहब जी, क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अधूरी महत्वाकांक्षा है, इसकी परिणति नए नए दल, या ये उन वर्ग की चिंता है जिस मूल सवाल के साथ हम आज हैं, ये वास्तव में क्या आदिवासियों की चिंता है या महत्वाकांक्षा है आपकी नजर? हर एक की चिंता है, यहाँ पर हर व्यक्ति व्यथित है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति प्रताड़ित है, उसको चाहिए एक अच्छा शासन, एक ऐसा अच्छा प्रशासक जो ज्यादातर सब लोगों को संतुष्ट कर सके। और इसलिए आज जो रुझान और जो लगाव जोगी जी के प्रति दिखाई दे रहा है कि रोजाना 150-200 आदमी उनके घर आ रहे हैं, चलिए ठीक है, और उसी तरह से करीब करीब 4 महीना हो रहा है 3.5 लाख लोग सदस्य बन चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलिए मैं इंतजार ही कर रहा था कि आप शेर के साथ अपनी बात जरूर कई दल बनेंगे, लेकिन जनता जिसको स्वीकार करेगी, जनता जिसको चाहेगी, और जनता उसी को लाएगी जिसको, जिससे वो संतुष्ट है, जिसका कार्यकाल देख चुकी है और जिससे वो पूर्ण। चलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शशांक शर्मा जी हमारे साथ में। शशांक जी, राष्ट्रीय स्तर पर एक दल आया आम आदमी पार्टी, उसका हश्र या उसका अंजाम, हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी वो शुरुआती दौर में दल है, लेकिन अब वो एक बड़ी जीत के बाद जिस तरह के उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, लेयर सामने आ रही हैं, इसके बाद हम जो पुराने समय में देखें तो क्षेत्रीय दल या नए नए क्षेत्रीय दलों का आना कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से आदिवासियों की बात और पूरे प्रदेश पर टारगेट कैसे लेंगे, महत्वाकांक्षा या वास्तव में उपेक्षा? देखिए पुनीत जी, आपने आम आदमी पार्टी से इस विषय को जोड़ा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा विषयांतर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अवधारणा और तमाम उनकी चीजें अलग है, वो एक अलग है। लेकिन जहां तक बात है क्षेत्रीय दल, उनकी महत्वाकांक्षा या उनकी उपेक्षा, तो मैं 2-3 बातों में इस पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि पहली बात, जिन लोगों ने पार्टियां बनाई हैं उन लोगों का जो छत्तीसगढ़ के 16 साल का जो एक इतिहास है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ की जो मतदाता है, हमारे यहाँ के मतदाता कभी दो दल कांग्रेस और भाजपा, यहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी की उर्वर भूमि होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पिछले 25 वर्षों में कोई बहुत विशेष नहीं रहा है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी तीसरी पार्टी की संभावना यहाँ बहुत कम है। इसके पहले बने हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा या स्वाभिमान मंच या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाम से जो स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी ने किया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ले लीजिए आप, तो इन सबका हश्र क्या हुआ, तो और सबका आखिर तत्वगत्व क्या परिणाम हुआ कि जैसे मरकाम साहब तो खैर अलग दिशा में चल ही रहे, लेकिन ज्यादातर बाद में जो छिटक कर बाहर आए थे वो फिर से प्रवेश कर गए। तो मुझे लगता है कि ये महत्वाकांक्षा और उपेक्षा दोनों का परिणाम जो है क्षेत्रीय पार्टियों का उदय है। अब इसमें महत्वाकांक्षा क्या है ये तो मेरी बात समझ में नहीं आती कि इस महत्वाकांक्षा किस बात की, क्या चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा है या सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षा है? बड़ी पार्टी में रहते हुए उनको अगर महत्व मिलता है या वो उसके लिए काम करते हैं, जब आप बड़ी पार्टी में रहते हैं उस समय ये आप केवल ये कहते हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही है और आप कोई काम नहीं करते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं तो उपेक्षा होती है। तो ये जो दो बातें हैं उपेक्षा और महत्वाकांक्षा, मुझे लगता है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो संगठन ये उपमीत करती है करता है कि जो जो नेता है वो कार्य करे संगठन के लिए, अच्छा जो नेता है वो कहता है कि संगठन उनके लिए कुछ पद का इंतजाम करे। तो मुझे लगता है कि ये दो पहलू हैं और उसी पहलू में देखना चाहिए, इसमें इसमें महत्वाकांक्षा भी है, इसमें उपेक्षा भी है। अरविंद नेताम जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता के और खासतौर से जो नए वोटर्स हैं उनके मन में आ सकता है कि जो पिछली बार के प्रयास हुए थे इस तरह के नया दल गठित करने के, उनके अंजाम उनके रिजल्ट सबके सामने, जैसा शशांक जी भी कह रहे हैं, ऐसे में एक तरफ आप आदिवासी वर्ग की उपेक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ सारे प्रदेश में एक आंदोलन चलाने की बात करते हैं, यकीन लोगों में कैसे हो पाएगा? देखिए ऐसा है कि राजनीति दल नया जो भी बनता है उसके पीछे कोई न कोई पृष्ठभूमि होती है, और जहां तक के अभी जो वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में बहुत से मुद्दों को लेकर के आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रही है और उसके पीछे क्या कारण है ये राजनीतिक दल को समझना चाहिए और उसी बात को लेकर के हमारे दिमाग में भी है कि जो भी कारण हो, बहुत से कारण है उसमें, और उसको ध्यान में रख कर के ही हम लोग इस बात को तय किए हैं कि कहीं ना कहीं अब समय आ गया है, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आंदोलन इतने साल, करीब 7-8 साल हो गए हैं, बीच बीच में होता रहा है, बहुत से मुद्दों को होता रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें थोड़ा बहुत समाज में इसका असर होगा और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। चलिए, आपने बोला थोड़ा बहुत असर, तो कितना असर, कितनी असर की आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं, कितने असर की उम्मीद आपको है? भाई राजनीति में ये अभी से कोई फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी छोटा राज्य है इसलिए ये बड़ा, ये थोड़ा सा इस मामले में आसान भी होता है, बड़े राज्य में तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम समझते हैं कि, और छोटा राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, तो कहीं ना कहीं इस पे डेंट करने की कोशिश हम करेंगे। सीजे सीजे का इकलौता टारगेट दिखाई पड़ता है, अभी भी हम रिजवी साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने भाजपा के ऊपर ही, सत्ताधारी दल के ऊपर ही सीधे तौर के ऊपर वार किए और उनकी पूरी कैंपेनिंग में, उनके सारे भाषणों में भी नजर आता है कि यहाँ सरकार क्या नहीं करे, सरकार की नाकामी। आप किस बात को लेकर फोकस करेंगे, आपके टारगेट में कौन सा दल है, दो बड़े दल राज्य में? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूं सर। अच्छा, देखिए हमारा टारगेट कोई एक स्पेसिफिक दल से नहीं है। सवाल है कि जो शासन में जो पार्टी जो भी होगा और समाज के साथ, चाहे आदिवासी समाज हो या और कोई समाज हो, उसके साथ अगर अन्याय होता है या उसके साथ ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता, तो कोई एक मुद्दा बताइए जो लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर कतई ध्यान नहीं दिया सरकार ने, लगातार उपेक्षा की, कोई एक मुद्दा? अरे भाई, मुद्दा अगर गिनाने जाऊं तो बहुत है। अब देखिए, संविधान की अवहेलना, कानून की अवहेलना, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, संविधान के 5th शेड्यूल का धज्जियां इस प्रदेश में उड़ाए हैं, तो ये क्या छोटी मोटी घटना है क्या? दुनिया, देश में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि सरकार ही जो संविधान की रक्षा करने वाली है और वही उसकी धज्जियां उड़ा दे। कानून के जो पालन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वही उस कानून का खिलाफ काम करे, ये तो कहीं आपको नजर उदाहरण मिलेगा नहीं। चलिए उपासनी साहब, जवाब चाहेंगे इस पर आपसे। देखिए, जनता से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है जिसको लेकर ऐसा लगे कि इस राजनीतिक दल का उदय हुआ हो। जितनी बातें कही जा रही है वो सारी असमंजस भरी बातें हैं। कभी कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए, कभी कहेंगे सामाजिक आंदोलन करेंगे, कभी आदिवासियों की उपेक्षा हुई इस बात को कह रहे हैं, और स्पेसिफिक कोई कारण आधार लेकर जो है इस राजनीतिक दल का उदय नहीं दिखता है। जित नेताम जी स्वयं जो है कभी कांग्रेस में रहे, वहां इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो फिर बसपा में चले गए, बसपा में नहीं चले तो फिर कांग्रेस में आ गए, फिर भाजपा में चले गए। तो ये जो आखिर जिस व्यक्ति के मन में ये स्थायित्व नहीं है कि जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली बात सत्यनारायण जी कह रहे थे, तो मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पिटे हुए नेता जो अपने अपने दलों से पीटे, जिनको टिकट नहीं मिली, और टिकट इस कारण नहीं मिली कि वहां का कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट जो है सोहन पोटाई जी को दी जाए। जनता नहीं चाहती थी कि उनको टिकट दी जाए, मतदाता नहीं चाहते थे कि उनको टिकट दी जाए। यदि इतने वो जनाधार वाले रहते तो निर्दलीय लड़कर जीत कर दिखाते कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वे खड़े होते, कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते। उनको स्वयं यह विश्वास नहीं था कि मेरा जनाधार इतना नहीं है कि मैं निर्दलीय लड़कर जो है यहां जीत सकता हूं। तो ये स्वयं जो है ये केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ठीक है। और पार्टियां तो बनती है, विद्या चरण जी ने भी यहां पार्टी बनाई, ताराचंद साहू जी ने भी बनाई, अनेक पार्टियां यहां पर बनी। नेताजी उनका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं जी। नेताजी को जवाब देना चाहेंगे इस पर, अलग अलग दलों में आप रहे, क्या इतने सारे दलों के बाद की यात्रा के बाद
ये लोगों का साथ या लोगों का विश्वास आप पर हो पाएगा? देखिए, मैं ये बात सही है, कई दल में रहा पर किसी पद के लालच में मैं नहीं गया। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हम आदिवासी लोग हैं, सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं। स्वाभिमान बेच के हम कभी राजनीति नहीं किए न करेंगे। तो जो एक आरोप है, ये एक आरोप लग रहा ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ये अलग अलग दलों में ले गई, तो यही सवाल आम जनता का भी हो सकता है आपसे। नहीं देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, कोई आदमी डिफेक्ट करता है, दूसरे पार्टी में जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई एक लालच होती है कि आपको यहां ये एडजस्ट किया जाएगा, यहां पद दिया जाएगा। जो भी दल में गया, मैंने कभी इस लालच से नहीं गया, पर जो सैद्धांतिक जो लड़ाई होती है राजनीति में, और सत्यनारायण जी कह रहे थे कि इतने कांग्रेस ने दिया, ये बात सही है, पर सत्यनारायण जी से ये भी जानना चाहिए कि हम लोगों के साथ में या मेरे साथ में किस ढंग से अपमानित किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। अब वो अगर वो बता दे तो वो भी अच्छा होता। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। शर्मा जी, जी जी, वो सीधा आप ही से पूछ रहे हैं कि ये तो बता दिया कि उपलब्धियां क्या रही, कांग्रेस ने क्या दिया, लेकिन अपमानित किया और इसीलिए उनको अलग जाना पड़ा। इसके संबंध में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं, नेताजी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी विशेष नहीं है। लेकिन जो मेरे सामने जो बातें आई उसको मैंने कहा है, और दूसरी बात यह है कि ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि आदिवासियों को के दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं, नक्सलाइट भी उनको आदिवासियों को सरकार का आदमी या पुलिस का आदमी समझ के उनके साथ भी ज्यादती करते हैं, और पुलिस भी ज्यादती करती है कि ये वो नक्सलाइट के साथ हैं, तो आदिवासी जाएं कहां, किस धारा किस तरफ जाएं? दो पार्टों के बीच में आदिवासियों को पिसना भी एक त्रासदी है। सरकार का रुख उनके प्रति भी, आदिवासियों के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। चलिए, तो इस बात पर भी एक गहन चर्चा होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि दो एक स्कूल जाने वाले बच्चे की हत्या हो गई मुखबिर नक्सलाइट बता करके, तो ये ऐसे सवाल हैं, अनुत्तरित सवाल हैं, जिनका जवाब आम आदमी चाहता है। ठीक बात है। शशांक जी, एक एक आज के दल में जो नए दल उदय हो रहे हैं, उनके साथ साथ जो स्थापित दल हैं, उनकी भी एक बड़ी समस्या है या उनका भी एक बड़ा टारगेट होता है, वो नए नए मतदाता जो युवा होकर के पहली बार शामिल होते हैं। जब एक बड़ी खेप में युवा मतदाता आ रहे हैं, वो जब एक रिकॉर्ड देखते हैं कि लगातार नेताओं ने अपने दल बदले हैं, अलग अलग वजहों से, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग दलों में जाकर के चुनाव को लड़ा है, और वो अपने पर्सनल मान अपमान सम्मान या उनको उनके साथ में जो कुछ भी हुआ उसके आधार बनाकर एक वर्ग की बात करते हुए नए दल का उदय करते हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक दल की बात नहीं करता, क्या उन पर विश्वास हो पाएगा? देखिए, अभी जो नए मतदाता आ रहे हैं, खासकर युवा जो आ रहे हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल समझ है उतनी ही पॉलिटिकल समझ भी बहुत अच्छी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो पूरे देश में सरकारें बन रही हैं, ये सरकारों के अंदर में, जैसे अगर लगातार दूसरी और तीसरी बार अगर नीतीश कुमार आते हैं, या जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत से दो बार उत्तर प्रदेश में सत्ता आ रही है, या स्पष्ट बहुमत से बार बार जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, मध्य प्रदेश में बन रही है, ये मतदाताओं की मैच्योरिटी को दिखाता है। और ये ज्यादातर वो नए युवा मतदाता है जो समझते हैं कि किस पक्ष में वोटिंग करके स्थायी सरकार उनके लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है मतदाता इस बात को समझता है कि ये जो बार बार जो दल बदल के आते हैं और नई पार्टी बना लेते हैं, तो इनका कोई बहुत ज्यादा होना नहीं है। लेकिन मैं एक नया आपने आम आदमी पार्टी की बात कही थी, मैं जो नए पार्टी बनाने वाले लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं नेताम जी की बात से सहमत हूं कि बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की अनेक समस्याएं हैं। आप राजनीतिक दल में रहते हुए पिछले 30 वर्षों में 40 वर्षों में आपने उनकी कितनी समस्याओं का समाधान किया? आप आज अगर राजनीतिक पार्टी में आज नहीं है, आप निरपेक्ष हैं, निर्दलीय हैं, तो आप आदिवासियों के मुद्दों पर आप कितनी बार उनके साथ खड़े होते हैं? आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बैठकर काम कर रही है, उसका एक विंग सोनी सोड़ी के नाम पे बस्तर में काम कर रहा है, एक्टिव है। वो जितनी एक्टिव है कि हमें तो कभी सोहन पुटाई जी, अरविंद नेताम जी, इस तरह के जो
और नेता हैं वो आदिवासियों के मुद्दों पर आदिवासियों के साथ खड़े हुए नहीं नजर आते, तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो पार्टी बनाने का मूल उद्देश्य क्या है। ये वोट कार्टू पार्टी के रूप में उद्देश्य है कि हमें जीतना नहीं है, हमें कुछ लोगों को हराना है, ये हो सकता है। जैसे सोहन पटाई जी का जब टिकट कट गई तो उसके बाद ये हुआ कि भाई दूसरे को टिकट मिली, तो जैसे सच्चिदानंद जी कह रहे थे कि उनको निर्दलीय लड़के करना था, और मान लीजिए हम ये मान ले कि सोहन पटाई जी जब उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पूरे मनोयोग से जो कैंडिडेट को टिकट मिला उसके लिए काम नहीं किया होगा, उसके बावजूद भी भाजपा जीत कर आई। पुनीत जी आप इस बात को समझ लीजिए कि जो ये कह रहे हैं कि भाजपा का पूरा वहां पे जो एक जनाधार खत्म हो गया है वो विधानसभा में जरूर दिखता है आपको, लेकिन लोकसभा में दोनों सीटें वो जीत कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मतदाता का जो एक मस्तिष्क है, खासकर युवा मतदाता का, वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, उनको पता है विधानसभा में किसके पक्ष में वोट देना है, उनको पता है लोकसभा में किनके पक्ष में वोट देना है। चलिए, तो आदिवासियों के साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई देते ये नेता, जबकि दिल्ली में बैठी पार्टी का एक विंग काम करता आदिवासियों के लिए, जबकि उन्हीं के नाम के ऊपर एक दल बन रहा। इस सवाल के साथ लौटूंगा, ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आएंगे। चलिए सीधे अरविंद नेताम जी के पास जाऊंगा। अरविंद नेताम जी, एक ब्रेक के पहले एक सवाल पूछा गया था कि जिन आदिवासियों की आप बात करते हैं, अगर उनके हितों की इतनी उपेक्षा होती रही तो आप तमाम दलों में भी रहे और अलग नेता के तौर पर आप लोगों के बीच में भी रहते हैं, क्यों नहीं नजर आते हैं वो बड़े नेता आदिवासियों के साथ खड़े आते हैं वो नेता जो दिल्ली से आने वाला एक विंग दिखाई पड़ता है आम आदमी पार्टी का, कहां आप लोग हैं, क्यों नहीं आप उनके साथ खड़े दिखते? मेरा एक ही निवेदन है कि सर्व आदिवासी समाज एक बहुत बड़ी संस्था है और उसके हम साथ में हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। जितने भी नक्सली हमले हुए या पुलिस के हमले हुए हैं सब में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हर जगह गया है और वहां से अध्ययन किया गया है। ये कहना कि अब पता नहीं यानी किस आधार पे ये अब आरोप लगा रहे हैं कि यानी कहां खड़े हुए, अरे हम तो एक, अरे हम ही एक संस्था है जो सर्व आदिवासी समाज जो पूरे प्रदेश में जहां भी अन्याय हुआ है वो उसमें खड़ी रही है और जहां ये तय कर लिए हैं जहां भी ऐसा होगा वहां विजिट करेंगे और अपने तरफ से जो भी सरकार को अरे लिखना होगा या वो देना होगा हम कर रहे हैं। पर यह है कि हम अब मीडिया में, उसमें ऐसा नहीं कि मीडिया में नहीं है कवर होता, पर ये जो इस ढंग से बात कहना बड़ा हड़कापन लगता है हमको, या तो आपको अंदाज नहीं। अब ठीक है कि एक आप पार्टी की जो एक दिल्ली की अपनी एक बेस है जिसमें सारे मीडिया, सारे क्या, बहुत से अधिकांश मीडिया उनके साथ खड़े होते हैं, हम आदिवासियों के साथ कोई नहीं होता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और इसीलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तो इस प्रदेश में कब्जा कर लिए होते। तो ये कहना बड़ा हल्कापन है कि अरविंद नेताम ने क्या किया, अरे हमने क्या किया, तो हम जब गिनाने शुरू कर देंगे ना तो आपके ये टेलीविजन में टाइम ही नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, टाइम का तो ख्याल सबको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इकबाल अहमद रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े। रिजवी साहब जी, आप भी एक नए विकल्प के तौर के ऊपर इस आने वाले चुनाव में जनता के बीच में हैं, एक और नया विकल्प हो रहा है, दो दल पहले से मौजूद हैं, अगर इन सारे सिनेरियो को आम जनता की दृष्टि से, वोटर की दृष्टि से आप देखते हैं, इतने सारे विकल्पों में से जो नया विकल्प आपके साथ खड़ा है क्या लग रहा है? वास्तव में ये आपका एक जो एजेंडा उसको जनता के बीच आगे बढ़ा रहा है कि भाई दोनों दल अच्छा काम नहीं कर रहे इसलिए नए नए विकल्पों को आना पड़ रहा है, या आप अपने लिए भी इसको एक बड़ा चैलेंज मानते हैं कि जो काम आप कर रहे थे अब साथ में एक और दल करेगा? नहीं देखिए, ऐसा है कि जनता वाकई में विकल्प चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस का शासनकाल उसने देख लिया था और ये जो 13.5 साल जो अभी हो रहे हैं बीजेपी के उसमें देख लिया है, अभी 2 साल और रहेंगे ये लोग, है ना, उसमें भी देखेगी। आप ये देखिए कि बस्तर में जो आदिवासी आज नहीं, आप ये देखिए कि योगी जी का जब कार्यकाल था उस समय नक्सलाइट बॉर्डर तक सीमित थे और अब तो पूरे बस्तर में और यहां तक के कि रायपुर तक पहुंच गए हैं। ये क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? आज यहां का युवा जो है परेशान है,
आप आउटसोर्सिंग से बाहर से लोगों को ला करके हमारे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को इन्हें अंधकार में उनका जीवन डाल रहे हैं, भावी पीढ़ी जो है उसको समाप्त करना चाह रहे हैं, हैं? वो आउटसोर्सिंग में मशीन नर्सेज। मेरा सीधा सवाल अलग था, लेकिन जो आप जवाब दे रहे हैं उससे बिल्कुल अलग था। क्या वास्तव में जनता के बीच मैसेज जाएगा कि वास्तव में दल काम नहीं कर रहे इसलिए विकल्पों की जरूरत है? आपने कहा विकल्पों की जरूरत तो है, मतलब जो दल काम नहीं कर रहे हैं एक और नए दल के आप साथ आने से आपकी बात मजबूती से पहुंची? देखिए, हम लोग काम करने के लिए आए हैं, इसीलिए जनता जुड़ रही है, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल योगी जी का लोग देख चुके हैं, इसीलिए उनको इस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और युवा लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि युवा त्रस्त हो चुका है बीजेपी से। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट लेता हूं मैं। उपासने साहब, कैसे लेते हैं इन दलों को, इन विकल्पों को? देखिए, जो रिजवी साहब बात कह रहे थे, मैं तो कहता हूं कि यदि 3 साल के कार्यकाल की बात करते हैं तो जो काम जनता ने देखा तो मुहर वहीं लगती और कहीं नहीं लगती। इस प्रकार से बात तो कह रहे हैं खराब हो गई लेनिंग पर। दूसरी बात ये, मैं तो मानता ही नहीं कि कोई विकल्प है, विकल्प है ही नहीं, वो तो वक्त बताए। ये जो है केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की एक अपनी उठा पटक है जिसको ये प्रदर्शित किया जा रहा है। आज प्रदेश स्तर पर जो नई पार्टी का गठन किया जा रहा है, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, न तो उसका संगठन का कोई ढांचा है, न उसके कोई लोग हैं, न कहीं पर उनके मुद्दे हैं, मतलब कोई थ्रेट नहीं है इससे स्थापित दलों को, ये आपका कहने का? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चुनौती जो है इन दलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। शर्मा जी, फाइनल कमेंट, कैसे लेते हैं इन दलों को? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई गठन करता और आता है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना। ये तो मतदाताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसके पक्ष में मतदान करेंगे, क्या करेंगे, और इससे कोई बहुत बड़ा कांग्रेस को नुकसान भी दिखाई नहीं देता है। आदमी स्वतंत्र रूप से सोचता है, विचारता है, उसके बाद फैसला लेता है। तो लेकिन हम कोई किसी बेकार की बहस में भी उलझना नहीं चाहते। अपना अपना काम करें, अपने सोच समझ से जनता की मन की बात छोड़ें, जनता बचाने सबको ले आएगी, अभी 2 साल का समय है। नेताम साहब, फाइनल, आप जनता से, प्रदेश की जनता आपको देख सुन रही है, आप एक विकल्प के मुहाने के ऊपर खड़े हैं, क्या कहेंगे आम जनता से? देखिए, हमारा जो प्रयास है प्रजातंत्र में दो पार्टी रूल से आमतौर पे मतदाता को विकल्प नहीं रहता। जब तक कि दो से ज्यादा अगर पार्टी हो तो मतदाता के पास विकल्प बहुत होता है, जैसे यूपी सरी के बड़े राज्य में देख लीजिए। और नहीं तो होता क्या है कि अगर दो ही पार्टी हो तो एक से नाराज है तो मजबूरी है दूसरे पे जाएगा, दूसरे से नाराज है तो पहले पे जाएगा। तो ये कम से कम इतना तो अवसर मतदाता के पास होना चाहिए। चलिए शशांक जी, आपने पहले ही बता दिया कि इस दलों का, इस तरीके के दलों का क्या पुराने समय में इतिहास रहा है या क्या उनके रिजल्ट्स हैं, कैसे लेते हैं इन दलों को? ये वोट काटने वाले दल साबित हो सकते हैं या वास्तव में विकल्प साबित हो सकते हैं? पुनीत जी, विकल्प की अगर आप बात करें तो किसका विकल्प? अगर हम सीजे की बात करें तो वो किसके विकल्प के तौर पर उतर रही है, कांग्रेस के विकल्प के तौर पर या सत्ता बनाने वाली एक नई पार्टी के विकल्प के तौर पर, यानी बीजेपी के विकल्प के तौर पर, अगर सत्ता रूल पार्टी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि ये जो नई पार्टियां खड़ी होने हो रही है ये किसके विकल्प की बात कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि सीजे कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर बात कर रही है। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि विकल्प नहीं होता इसलिए इस तरह की पार्टियां खड़ी होती है, तो पहले भी हुई है जिनका बड़ा बुरा हश्र हुआ है। चलिए, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बनाई है जो एक नया विकल्प देता है, जिसका बस्तर में पिछले चुनाव में बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ और वो था नोटा। मुझे लगता है नोटा एक बहुत अच्छा विकल्प है, उससे बेहतर है अगर उस पर बात करें तो वो ज्यादा कारगर साबित हो। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस विकल्प को जनता कैसे स्वीकार करेगी ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।